कल आने वाले हैं जीत और रिंकू। बगिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। देखा आपका तरीफ ने फूल लगा रखा है। दो फूल खिले हैं और ये दोनों घूम फिर के आगे। हेलो जी, तो स्वागत आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और हमने व्लॉग रात को ही शुरू कर दिया है क्योंकि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, कल आने वाले हैं जीत और रिंकू। तो मुझे सुबह की करनी है तैयारी है रियांशी, इसीलिए हम दोनों तैयारी करेंगे। दिखाती हूँ आपको मैं क्या बनाती हूँ। तो ये हम घर से मंडे को आते हैं तब दूध लेके आते हैं, उसमें से मैंने मलाई और दूध थोड़ा सा अलग से करके अब इसका मैं पनीर बनाऊंगी घर का। और पनीर बना के सुबह देख लेंगे, पनीर पराठे बनाते हैं सब्जी, उस हिसाब जैसा पनीर बनेगा उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो मैं इसको गर्म कर देती हूँ पहले, फिर इसमें नींबू निचोड़ के पनीर काट लेंगे। या। पनीर बनाने का आइडिया मेरे ऐसे आया कि मैं रिंकू आ रही, थोड़ा उसको हेल्दी खिला देंगे। बाकी अभी रिंकू का फाइनल नहीं हुआ, वो आएगी या नहीं आएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही जीत का फोन आया था तो सुबह ही पूछेंगे उनसे, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। नियांशी चाची आएंगे या चाचू? तो वो सुबह जल्दी ही आएंगे, उनको कुछ काम है चंडीगढ़, इसीलिए सुबह जो ब्रेकफास्ट मैं उनका रेडी कर दूंगी, इसलिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये मैडम यहाँ मिक्सी की वायर, वायर बहुत पसंद है इसको, कोई भी वायर मिल जाए बस उसके साथ खेलने लग जाती है। और दूध उबलने लग गया है, उबलते हुए दूध में हम निचोड़ देंगे नींबू और इसको बिना हिलाए वेट करेंगे, ये अपने आप फट जाएगा एकदम। दूध अलग, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पानी अलग दूध अलग हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा तेज गैस पे ये देखो। अब क्या कर रहा है तू भाई रियांशी? ऊपर तो आजकल बहुत खतरा है इसको, ज्यादा मूवमेंट करने लगी, इसलिए मैंने नीचे बिठा दिया रियांशी को। अब ये पंखे के साथ छेड़खानी कर रही है। इधर हमारा पनीर फटने की तैयारी में है, देख लो भाई अलग हो रहा है धीरे धीरे, दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। और पनीर अपना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस अब इसको कपड़े में डाल के इसको निचोड़ के रख देंगे, सुबह देखते हैं कि कैसा बनता है। बाकी इतना मज़ा नहीं आया है ना, ज़्यादा खिल खिल सा गया। मेरी मम्मी के पास ऐसा पाउडर था, वो तो बिल्कुल पनीर जैसे गाढ़ा गाढ़ा हो जाता था, ये अलग अलग हो गया। चलो देखते हैं पानी निचोड़ने के बाद शायद ठीक बन जाए। मेरी आंटी देखो नींद उठ गई है, आजकल नई चीज सीख रही है, नींद मोदी हो जाए और फिर उठ जाए। रियांशी छो रहा है, जाग रहा है, तो क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपना पनीर, शाम को मस्त बन गया था ये देखो। तो प्याज और पनीर प्याज के परोठे बनाएंगे, उसकी तैयारी कर लेते हूँ मसाला। और आज आशीष और रियांशी भी जाएंगे, तो मैंने रियांशी की भी पूरी तैयारी करनी है, उसके लिए दूध खाने का। पहली बार रियांशी इतने घंटों के लिए मेरे से दूर जा रही, शाम को आएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? हम भी पापा बेटी तैयार हो गए। रियांशी हेलो करो बेटा। रियांशी को रात तो एकदम मच्छर ने काट लिया भाई, काफ़ी सावधानियाँ बरते लेकिन उसके बाद भी काट लिया। देख रियांशी हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, ये हेलो, ओके। और इधर चल रही है भाई खान ब्रेकफास्ट की तैयारी, मैडम लग रही है परांठे बनाना। हेलो गर्मा गर्म
बस खाते हैं थोड़ी देर में। और इधर मैडम ने कर दी है पूरी तैयारी रियांशी की। रियांशी मैं चंडीगढ़ जा रहे हैं आज। जैसे जैसे ड्यूटी पे जा रहे हैं देखो इधर। हाँ हाँ भाई ड्यूटी पे ही जा रहे हैं, हम हमारा काम करने जा रहे हैं। पानी अभी इसमें दूध निकालूंगे इससे पंप से, थोड़ा सा तो निकाल रखे है। और ये पूरा डब्बा इसका डाइपर वाइप्स कपड़े पजामे है। और पनीर हो रहा है क्या? हाँ, फ्रिज में रखा हुआ है वो। और सब पूरा आराम से जाओ, इंडिपेंडेंट तुम आजाद, मैं भी आजाद 5 बजे तक। ठीक है बाय बाय। आज मेरा रियांशी का है टू। तो आपने देखा जिस तरह मैं अपना व्लॉग मोड पे लिखड़ लिया था, मैंने न्यू कहा था नहीं शायद मेरे गल मेरा कोई यार दोस्त चल पड़े, तो मैंने चलते चलते नहीं सोचा कि आस मैं चल लियो। मैं राह मेरा बाकी दूसरा था, मैं पूरा कोई लेना है स्पेशल, तो दोनों जावांगे और फिर चलांगे आपां अगे अपने जो काम है वो मेरा मीटिंग माटिंग यू इसने बस मैं गल लेकर चलना लग रहा हूँ काम मेरे, क्योंकि तमने भी रह गई मैं कला जा ही नहीं करता कड़ी। हाँ गल रियांशी ने आप आए हो में फूल खिले हैं आपका तरीफ फूल लगा रहा है। दो फूल तो दो फूल खिल रहे हैं भाई। वो देखा सबसे महंगा फूल है। खिलेंगे वो मोगरा का, मोगरा ही बोल रहे। ये पहली बार किस तरह आ रहे हो? जोड़ी कहाँ गई? थोड़े दिन के बाद दिए रहने तुम मेरे। तो यू आसूर का वो है भाई सरकारी आवास। हाँ। थोड़ा थोड़ा कर ला है डेकोरेशन, बाकी सरकारी तो इसे है। बाकी इसमें जो फीलिंग हुआ नहीं हुआ बढ़िया है, मतलब जिस तरह से वगैरह खुला 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 आवाज वेंटिलेशन बढ़िया है। हाँ, अच्छी चीज है मतलब, है ना। चलो 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 ठीक है, करो एंजॉय, संभालो आज मेरी भी आजादी है। ठीक है इधर रियांशी का लंच टाइम स्टार्ट हो गया। रियांशी खा रही है आज, क्या खा रहे हो बेटा बताओ, क्या खा रहे हो? मम्मा ने क्या दिया लंच में आपको? क्या दिया है? पनीर। मेरी रियांशी पनीर खा रही है, पहले दूध भी दिया था मम्मा ने, दूध तो इसने पी के पूरी बोतल खाली कर दी और अब पनीर खा रही है। मजा आ रहा है रियांशी आज घूम के, मजा आ रहा है। मैं और रियांशी तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, बाकी रियांशी की मम्मी का पता नहीं, वो बड़ी फ्री फ्री कर रही थी, जाके पूछेगी। तो फ्रेंड मैं पराठे खा के सो गई थी, इतनी मस्त नींद आई। वैसे डेली रूटीन में तो पहले खाना बनाओ डालो, कभी रियांशी को खिलाओ, पूरा बिजी हो जाता है लंच भी। और आज मेरे लिए चीटिंग डे था, कभी कभी ऐसे रिलैक्स होना में बड़ा मजा आता है। तो बस अब मैं जाऊंगी ऑफिस में। वैसे मैंने रियांशी का भी पूछ लिया था, रियांशी आराम से एंजॉय कर रही है, तरबूज वगैरह खा लिया, दूध पी लिया उसने, तो 1-2 घंटे में शायद आने वाले हैं वो, तब तक मैं ऑफिस जा जाती हूँ। तो फ्रेंड मैं तो ऑफिस से आ गई हूँ, पर अभी तक आशीष और जी तो रियांशी नहीं आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि रियांशी इतने लंबे घंटे के लिए मेरे से दूर हो रही है। आई एम मिसिंग हर वेरी बैडली। तो बाकी ठीक है, सो अभी रास्ते में हैं, देखते हैं आने के बाद क्या रिएक्शन रहता है रियांशी का, आपको भी दिखाएंगे। हां जी कहां गया था? मम्मा की याद नहीं आ रहा। ओ आते ही मम्मा रास्ते में पापा पापा पापा। मम्मा को याद नहीं किया तुमने? हां मैंने मस्त मजे किए मम्मा, ये देख कितनी खुश हो गई। एक बार भी नहीं रोई? बोल रही थी तू कि भाई हाँ आज मैं तो फ्री हूँ, तो फिर कैसा रहा? हमने तो बहुत मजे करे। क्या क्या पूरे मस्त के दोस्तों, ना तो खाना खाना बनाना पड़ा। दोस्तों टाइम हो रहा है 5:30 का, और ये अभी सारा 10-15 मिनट पहले ऑफिस से आई है। वो तो आई हूँ लंच में, आराम से खा पी के ऐसे सोई मस्त आधा घंटा। हाँ भी मस्त, रियांशी भी मस्त सो रही थी। अच्छा।
ये तो पापा ही बोलेगी। पापा ना ना ना, मैं तो मम्मा ही बुलवाऊ हूँ। और ये दोनों घूम फिर के आ गए। देख सुबह तो पराठे खा के नहीं गए और अब बासी खान लग रहे हैं। मैं तो नहीं सोचू थी कि मेरी सारी रात ने पनीर बनाया। मैंने घर पर पनीर बनाया जी थे स्पेशल। मैं क्या जी थे पिछली बार मैगी बनाई थी, वो बाहर की चीज है। ये तड़ी पड़ी फास्ट फूड खाना को नहीं। अच्छा घर तक चल गया जब मैं नहीं खाएगा होता तो मैंने नहीं बोल रहा जा सुनने लिए चल दूंगा मैं। स्पेशल घर का पनीर बनाया फिर परोठे बनाए। मैं क्या तो सारी रात की सारी मेहनत खराब हुई पर एटलीस्ट सब सारे फिनिश हो गए। सारे पराठे भी लास्ट था चाहे बासी खाए बहुत बढ़िया है। हाँ मैं तो कहूँ थे आशीष ना के पैक कर दूं सही लगते फिर भी। तो ये फिर जीत कर रहे हैं अगर जान की तैयारी। उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो आपने कल व्लॉग में बताया बोला था कि सब ने एक छोटी छोटी वीडियो डालनी है आपके बारे में। तो उसका विपरीत आपका सवाल है कि आपकी जो 6 लाख की फैमिली है जीत जंक्शन की उस तो आप काफी लंबे टाइम से जुड़ रहे हो तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप कैसा एक्सपीरियंस है? आप कमेंट्स भी देखो कोई ऐसा इंसान जो आप देखे एकदम फैमिली हो जाए अपना फैमिली वर्ग तो बस इतना था। प्रियांशी के व्लॉग ने कर दो लाइक। प्रियांशी खा रही है तरबूज मुंह पे भी लगा रखा है। दीदी तो बस यू है व्लॉग था इनका। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो खींचे रखे करो मीटर प्रियांशी का व्लॉग पे भी। ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू।